सांसद स्टार खेल महाकुंभ हमीरपुर के ग्रैंड फिनाले का रंगारंग कार्यक्रम के साथ धमाकेदार आगाज गत देर रात को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के मैदान में किया गया। खेल महाकुंभ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि खेल महाकुंभ एक अच्छी पहल है और इससे गांवों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए मौका मिला है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ से भटक रही युवा पीढ़ी को एक मंच मिला है। उन्होंने कहा कि अगर युवा नशे के आदि हो जाएंगे तो देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। खेल महाकुंभ पर काफी चर्चा की है। सचमुच में देश में अनूठी पहल है कि युवा पीढ़ी जो भटक रही है और जिसको भटकाने के लिए कुछ लोग लगे हैं कुछ तात्कालिक लाभ के लिए, वो युवा पीढ़ी, हिमाचल की युवा पीढ़ी जो सेना के लिए बढ़िया सैनिक देती है, अधिकारी देती है, जो राष्ट्र सेवा में लगते हैं, अगर वो निषेध हो जाएंगे तो ना कोई अच्छा सैनिक मिलेगा ना अच्छा अधिकारी मिलेगा। इसलिए युवा शक्ति को खेल के मैदान की ओर ले जाया जाए, ये सांसद खेल महाकुंभ का एक सफल और शानदार प्रयास रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं 25,000 युवाओं का धन्यवादी हूँ जिन्होंने खेल के मैदान का रुख किया और विभिन्न खेलों में भाग लिया है। जो खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पूरी तरह परफेक्टली प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह खेल रहे थे। इसका अर्थ है अगर खेल का मैदान मिले, खेल की सुविधा मिले तो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है इस प्रतिस्पर्धा में से जो प्रतिभाएं निकल के आएंगी, जो युवा खिलाड़ी निकल के आगे आएंगे, वो तो केवल संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, वो प्रदेश और देश में जाकर भी अपने इलाके का अपना नाम ऊंचा करेंगे। और हम तो चाहेंगे यहाँ से ऐसे अच्छे खिलाड़ी निकले जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो। उस दिन पूरा होगा जब आपकी नगाउन की एक बच्ची ने कपिल शर्मा जो सबको चुप करा देते, सबको लाजवाब कर देते हैं, जब वो उनके कार्यक्रम में गई तो बच्ची के जवाब से कपिल शर्मा लाजवाब हो गए और उसने माफी मांग ली। अगर ये कार्यक्रम सांसद ने शुरू नहीं किया होता तो क्या कभी वो बच्ची उस कार्यक्रम में गई होती, कपिल शर्मा को फेस किया होता, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास साथ में आसमान पर होगा। और अब तो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, मैंने पीछे पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोगों ने भी कहा है कि हम भी हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो बच्चे अगली बार पैरिटे में आएंगे उनको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की भी सैर करवाएंगे, उनका ज्ञान वर्धन होगा। तो आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जो संसदीय क्षेत्र के स्तर का फाइनल होने जा रहा है उसका शुभारंभ हुआ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको। और जो बात नरेंद्र जी ने कही, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आगे होगा भी, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आती, कोई ना कोई कमी कहीं रह जाती है। आज समय कमी देखने का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व देश को दिया है, आज से 5 साल पहले जो देश की छवि विश्व में थी वो एक कमजोर देश की, एक भ्रष्टाचारी देश की थी, कमजोर नेतृत्व की थी। आज सौभाग्य से हमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के शक्ल में हमारे सामने है। खेल महाकुंभ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, विजय पाल सोहारू,
नरेंद्रत्री, विकास शर्मा, विशाल पठानिया और अंकुश दत्त शर्मा सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह को सफल बनाने के लिए सुबह से ही तैयारियां जोरों शोरों से की गई थी।